हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस टेकमान चैनल के और एक नए वीडियो में आप सभी का फिर से स्वागत है। एंड गाइस, आप अगर ओनर का फ़ोन यूज़ करते हो और ओनर के फ़ोन के आपको फीचर्स अट्रैक्ट करते हैं और ओनर के फ़ोन का फ़ैन हो, तो गाइस इस वीडियो में मैंने ऐसे टॉप 3 ओनर के बेस्ट फ़ोन अंडर 15,000 के रेंज में लेकर आया हूँ दोस्तों, जो इस प्राइस रेंज में बेस्ट साबित होती है। एंड गाइस, इस वीडियो में मैंने तीनों फ़ोनों के एक एक करके फीचर्स को डिटेल में बताया है। एंड गाइस, आप इन तीनों फ़ोनों में से आप कोई भी फ़ोन अपने नीड्स के अनुसार पिक कर सकते हो। एंड गाइस, मैं बता दूं कि मेरे वीडियो में बहुत सारे कमेंट आ रहे थे कि आप ओनर के फ़ोन के लिस्ट बनाओ जो 15,000 के अंदर बेस्ट आती है, इसलिए गाइस ये वीडियो मैंने आपके लिए लेकर आया हूँ। तो गाइस, आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगी, और आप इस चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो दोस्तों। तो गाइस, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, हमारे लिस्ट में नंबर 3rd पे जो फ़ोन है वो फ़ोन है ऑनर की तरफ से ऑनर 8X। एंड गाइज, इस फ़ोन में ज़्यादा कुछ अच्छे फीचर्स दिए हुए नहीं है, मतलब ये फ़ोन बीच में आता है दोस्तों, इस फ़ोन को ज़्यादा अच्छा नहीं कहा जा सकता है। बट गाइज, आप अपने नीड्स के अनुसार इस फ़ोन को भी आप ले सकते हो दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, इस फ़ोन के फीचर्स के बारे में हम जान लेते हैं। तो गाइज, इस फ़ोन के अगर डिस्प्ले की बात करें दोस्तों, इसमें आपको 6.5 इंचेस की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिलने वाली है। साथ ही गाइज, इसमें आपको क्रीन 710 की प्रोसेसर मिल जाती है। एंड गाइज, अगर इस फ़ोन के हम इंटरनल स्टोरेज के बारे में बात करें दोस्तों, तो इस फ़ोन में आपको 64GB विथ 4GB के रैम के साथ ये फ़ोन आती है। एंड गाइज, अगर आगे बढ़ें और इस फ़ोन के दोस्तों हम कैमरे की तरफ नज़र डालें दोस्तों, तो इस फ़ोन में आपको बैक में डुअल कैमरा मिल जाती है दोस्तों, 20MP की प्लस 2MP की। वहीं गाइज, इस फ़ोन में आपको सेल्फी कैमरा 60MP की मिल जाती है, यानी कैमरा ठीक ठाक है दोस्तों, ज़्यादा अच्छा तो नहीं कहा जा सकता है। एंड गाइज, इसमें बैटरी भी आपको डिसेंट मिलती है दोस्तों, इसमें आपको 3750mAh की बैटरी मिल जाती है, यानी बैटरी बैकअप भी इस फ़ोन का ज़्यादा अच्छा होने वाला नहीं है दोस्तों। एंड गाइज, इस फ़ोन में आपको फास्ट चार्जिंग 10W की मिल जाती है। एंड गाइज, अगर इंड में इस फ़ोन के हम अगर प्राइस सेक्शन के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये फ़ोन आपको 13,699 रुपीज़ पे अवेलेबल हो जाएगी दोस्तों। एंड गाइज, इस फोन का रेजोल्यूशन है 1080p। एंड गाइज, आप देख सकते हो दोस्तों, यही थी इस फोन के फीचर्स। एंड गाइज, मैं तो बोलूँगा कि आप आगे के फ़ोन देख लो, वो आपको ज़्यादा पसंद आ जाएंगे। तो गाइज, अगर नेक्स्ट फोन की बात करें जो हमारे लिस्ट नंबर 2nd पे आती है, वो फोन है ओनर की तरफ से ओनर 9X। एंड गाइज, इस फोन के मतलब सारे फीचर्स कुल मिला के ठीक ठाक है दोस्तों, मतलब अच्छे हैं दोस्तों। बट गाइज, इस फोन का प्रोसेसर थोड़ा सा मतलब बढ़िया नहीं है दोस्तों, थोड़ा सा कम है। तो गाइज, चलिए डिटेल्स में जान लेते हैं इस फोन के बाकी फीचर्स के बारे में। तो फ्रेंड्स, अगर ओनर 9X की हम डिस्प्ले के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें आपको 6.59 इंच की फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। साथ ही गाइज, इस फोन में आपको प्रोसेसर किरिन 710 की मिल जाती है। और एंड गाइज, अगर इस फोन की हम अगर रैम के बारे में बात करें दोस्तों, इस फोन में आपको 4GB की रैम मिल जाती है विथ इंटरनल स्टोरेज 64GB के साथ ये फोन आती है। तो गाइज, चलिए जल्दी से इस फोन के हम कैमरे के बारे में जान लेते हैं कि इसमें आपको कैमरा कितना अच्छा मिल जाता है। तो गाइज, अगर बैक कैमरे की बात करें दोस्तों, इसमें आपको ट्रिपल कैमरा मिल जाती है 48+8+2MP की। साथ ही गाइज, फ्रंट में आपको 60MP की कैमरा मिल जाती है, यानी कैमरा क्वालिटी इस फोन की काफ़ी अच्छी होने वाली है दोस्तों, खास करके बैक कैमरा। एंड गाइज, अगर हम आगे बढ़े इस फोन के हम बैटरी के बारे में बात करें दोस्तों, में आपको 4000mAh की बैटरी मिल जाती है, यानी बैटरी भी बढ़िया है दोस्तों। साथ ही गाइज, इस फोन में आपको 10W की फास्ट चार्जिंग मिल जाती है। एंड गाइज, अगर इस फोन के हम प्राइस के बारे में बात करें दोस्तों, तो ये फोन आपको 13,999 रुपीज़ पे ये फोन आपको अवेलेबल होगी दोस्तों। तो फ्रेंड, चलिए फाइनली उस फोन के बारे में बात कर लेते हैं जो हमारे लिस्ट पे नंबर 1 पे है। तो गाइज, नंबर 1 पे हमारे लिस्ट पे ओनर की तरफ से ओनर 9X प्रो है। एंड गाइज, इस फोन के सारे फीचर्स अच्छे हैं दोस्तों, इस फोन के कैमरे से लेके इस फोन की रैम और प्रोसेसर, सारी फीचर इस फोन की काफ़ी बढ़िया है दोस्तों। तो गाइज, चलिए डिटेल में जान लेते हैं इस फोन के हम फीचर्स के बारे में। तो गाइज, अगर इस फोन के हम डिस्प्ले के बारे में बात करें दोस्तों, इसमें आपको 6.59 इंचेस की काफ़ी बड़ी फुल HD प्लस डिस्प्ले मिल जाती है। साथ ही गाइज, ये फोन आपको 1080 की रेजोल्यूशन के साथ आती है। एंड गाइज, इस फोन में आपको किरिन 810 की प्रोसेसर मिल जाती है, जो कि काफ़ी अच्छी है दोस्तों। एंड फ्रेंड्स, अगर इस फोन के हम रैम के बारे में बात करें दोस्तों, तो इसमें आपको 6GB की रैम मिल जाती है, इंटरनल स्टोरेज 256GB के साथ ये फोन आती है। तो गाइज, चलिए जान लेते हैं इस फोन में आपको कैमरा मतलब बैक और फ्रंट में कितने मेगापिक्सल की कैमरा मिल जाती है। तो गाइज, अगर बैक कैमरे की बात करें दोस्तों इस फोन की, तो गाइज, इस फोन में आपको ओनर 9X की तरह ही ट्रिपल कैमरा मिल जाती है 48+8+2MP की। साथ ही गाइज, फ्रंट में आपको 60MP की कैमरा मिल जाती है। एंड गाइज, अगर इस फोन की हम बैटरी के बारे में बात करें दोस्तों, तो 4000mAh की इस फोन में आपको बैटरी मिल जाती है। साथ ही गाइज, ये फोन 10W के फास्ट चार्जिंग के साथ आती है। एंड गाइज, अगर एंड में इस मतलब ओनर 9X प्रो के हम प्राइस के बारे में बात कर ले दोस्तों, तो ये फोन आपको 16,999 रुपीज़ पे अवेलेबल होगी। तो गाइज, ये थी ओनर 9X प्रो के फीचर्स।
एंड गाइज इस फोन के सारे फीचर अच्छे हैं दोस्तों, इस फोन का प्रोसेसर भी बढ़िया है दोस्तों। तो गाइज इस प्राइस रेंज में आप ऑनर 9X प्रो को खरीद सकते हैं दोस्तों। तो गाइज आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो से आपका कन्फ्यूजन दूर हुआ होगा और आपको हेल्प मिली होगी। एंड गाइज प्लीज़ आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि ऐसे ही टेक रिलेटेड वीडियो चैनल में आते ही रहते हैं। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा। एंड फ्रेंड्स आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली, हैप्पी दिवाली। बस बस अबे बेसुरा कहीं का।